चलें जी, ठीक है बच्चों, हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 11th लेक्चर ऑफ न्यूट्रोजेनोमिक्स एंड द टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर इज विटामिन ई एंड जीन एक्सप्रेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ विटामिन ई रेगुलेट्स द जीन एक्सप्रेशन। कंटेंट्स ऑफ द लेक्चर इंक्लूड्स द एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ विटामिन ई, डिफरेंट फूड सोर्सेज ऑफ विटामिन ई, हाउ इट इन्फ्लुएंसेस द जीन एक्सप्रेशन एंड हाउ it plays role in disease prevention. So let's start with a basic introduction about vitamin E. Vitamin E is basically a fat soluble compound and it is present in two forms, 4-tocopherols and 4-tocotrienols. So vitamin E aap dekh sakte hain, agar hum iski classification ki baat kare तो विटामिन ई जो है वो 8 सॉल्युबल कंपाउंड्स में क्लासिफाई होता है, 4 टोकोफेरोल्स हैं एंड 4 टोकोट्रिनोल्स, एंड दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज अल्फा टोकोफेरोल, बीटा टोकोफेरोल, गामा टोकोफेरोल एंड डेल्टा टोकोफेरोल। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विटामिन ई व्हिच आर प्रेजेंट। टॉकिंग अबाउट द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई डेफिशिएंसी इज रेयर and it is caused by the underlying problem with the dietary fat rather than the low fat diet. So why do you think that the deficiency or the underlying cause for the deficiency of vitamin E is with the dietary fat rather than the low fat diet? अगर मैं ये कह रही हूँ कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी जो है वो डाइट्री फैट की वजह से हो रही है रादर देन द इनटेक ऑफ द डाइट्री फैट, प्रॉब्लम विद द डाइट्री फैट रादर देन द इनटेक विद द लो फैट डाइट, यानी अगर क्योंकि विटामिन ई की जो सोर्सेज हैं वो डिफरेंट सीड्स हैं, नट्स हैं, तो अगर हमारी डाइट से ज़्यादा अगर हमारे डाइट्री फैट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसकी वजह से होता है। ये इसकी क्या रीजन है? मैम अगेन इट्स अ फैट सॉल्युबल। किसने बताया ये? नूरुलैंड मैम? प्रिया। प्रिया, वेरी गुड। जैसे फैया ने कहा है कि विटामिन ई जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो अगर डाइट्री फैट की जो है एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो उसकी वजह से विटामिन ई की डेफिशिएंसी होने के चांसेस हैं। सो अंडरलाइन प्रॉब्लम विद द डाइट्री फैट बेसिकली रेफर्स टू द फैट मेल एब्जॉर्प्शन और फैट की जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी के अंदर वो अगर नहीं हो रहा तो उसकी वजह से विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो सकती है। क्यों? क्योंकि विटामिन ई जो है वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन ई आल्सो एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड इट्स बायोलॉजिकल टारगेट इज द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। सो बेसिकली ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जैसे कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, इसके अगेंस्ट विटामिन ई जो है वो एक्ट करता है, और विटामिन ई जो है इट इज अ वेल नोन एंटीऑक्सीडेंट व्हिच हेल्प्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस। जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस के एग्जांपल में आ जाते हैं जैसे कि सीवीडी हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है, एजिंग का प्रोसेस है, दीज आर ऑल डिफरेंट diseases and pathological conditions which occur because of the increase in the oxidative stress in your body. Aur vitamin E jo hai wo ek protective role play karta hai kyunki ye as a antioxidant act karta hai aur free radicals ko neutralize karta hai. So mechanism of action kya hoga when we are talking about vitamin E as an antioxidant? So free radicals such as superoxide, hydroxylines and nitric oxide, they contain an unpaired electron which causes the oxidative damage leading to the cell death. Vitamin E binds with the free radicals and neutralizes their unpaired electron. ठीक है, free radicals वो molecules होते हैं जिनके पास एक unpaired electron होता है उनके outer shell में, और वो जो है ऑक्सीडेटिव डैमेज कॉज करते हैं जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है,
और जबकि एंटीऑक्सीडेंट जो है वो क्या करते हैं कि वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं रेडिकल को, और रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है और हम सेल डेथ को भी प्रिवेंट कर सकते हैं. सो दिस इज अ बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ विटामिन ई एज एन एंटीऑक्सीडेंट. नाउ यू आर सीइंग द इफेक्ट ऑफ विटामिन ई ऑन जीन एक्सप्रेशन. और ये आपको स्लाइड पे 5 डिफरेंट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं. बेसिकली विटामिन ई जो है वो डायरेक्टली जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है. डायरेक्टली का मीनिंग ये है कि विटामिन ई डायरेक्टली ऐसे सेट ऑफ जीन्स के एक्सप्रेशन पर अफेक्ट कर रहा है जो कि फर्दर आगे रोल प्ले कर रहे हैं. और नॉर्मली ये देखा गया है कि विटामिन ई 5 ग्रुप ऑफ जीन्स को रेगुलेट करता है. चलो जी बच्चों, अभी अपनी नोटबुक्स पे लिखें 5 ग्रुप ऑफ जीन्स जो आपको नजर आ रहे हैं. ठीक है, अगर आपने ये लेक्चर पर याद करना है, समझना है, तो आपने अपने सामने जो है ये जीन्स रखने. सो नंबर फर्स्ट पे जो है हमारे पास है सेट ऑफ जीन्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन द अपटेक एंड डिग्रेडेशन ऑफ टोकोफेरोल्स. मैं पूरी लाइन नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, सिर्फ की टर्म्स लिख रही हूँ क्योंकि मैंने आगे आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना है. सो फर्स्ट सेट ऑफ जीन्स यानी वो जीन्स जो कि विटामिन ई के मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व है. विटामिन ई जो है वो, ठीक है, वो सेट ऑफ जीन्स जो कि विटामिन ई के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, डायरेक्टली विटामिन ई उनके एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है. टोकोफेरोल्स क्या है? व्हाट आर टोकोफेरोल्स? हाँ जी, आपसे क्वेश्चन पूछा है. बिल्कुल ठीक है, विटामिन ई की टाइप है. सो विटामिन ई का अपटेक और डिग्रेडेशन बेसिकली मेटाबॉलिज्म जो है उन सेट ऑफ जीन्स को भी ये विटामिन ई रेगुलेट करते हैं. देन जीन्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द लिपिड अपटेक एंड एथ्रोसिक फोर्सेस. लिपिड अपटेक एंड एथ्रोसिक फोर्सेस. व्हाट इज एथ्रोसिक फोर्सेस? मैम, बिल्ड अप ऑफ फाइबर्स प्लग in the arteries, vessels. Build up of? Fibrous plug. Fibrous? Fatty material. Fatty material, cholesterol. LDL oxidation plug to cause to jump the arteries to fall. ठीक है, सो भी आ ठीक है एमएम. बेसिकली बच्चों वो क्या कहते हैं, फाइब्रस नहीं होता, वो फैटी एसिड डिपोजिशन होती है और LDL levels जो हैं वो increase होते हैं. Then it vitamin E also regulates the genes which are connected to the adhesion and inflammation. Vitamin E is also involved with the genes that are involved in the modulation of extracellular proteins. And lastly, genes which are involved in cell cycle regulation. ठीक है, तो विटामिन ई जो है ना आपकी बॉडी में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, स्पेशली जीन लेवल के ऊपर. ठीक है, आप लोग जो है विटामिन ई को कंज्यूम करते हैं जब भी, तो वो ये जो 5 सेट ऑफ जीन्स हैं इनको डायरेक्टली इफेक्ट करता है, इनके एक्सप्रेशन को जो है वो रेगुलेट करता है. सो लेट्स स्टार्ट. How does vitamin E affects and regulates the lipid uptake? So alpha tocopherol has a favorable action against the atherosclerosis.
एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम इसका देखें तो क्या होता है कि अल्फा टोकोफेरोल जो है इट बेसिकली डाउन रेगुलेट्स द CD36 मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोटीन एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जीन लेवल के ऊपर क्या चलते जा रहे थे कि CD36 जो है वो विटामिन ई इसको डाउन रेगुलेट करता है। नाउ व्हाट इज CD36? इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन व्हिच प्रमोट्स द इंफ्लेमेशन, फोम सेल फॉर्मेशन, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल इनटू द मैक्रोफेजेस व्हिच इज द इनिशियल क्रिटिकल स्टेज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस रिजल्टिंग इन द प्लाक फॉर्मेशन। जीन लेवल के ऊपर विटामिन ई CD36 के एक्सप्रेशन को डाउन रेगुलेट करता है, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर जो मैसेंजर आरएनए जो है CD36 का एक्सप्रेशन जो है इसको ये विटामिन ई डाउन रेगुलेट करता है। और CD36 क्या है, इट इज बेसिकली अ ग्लाइकोप्रोटीन जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। और इसके अलावा जो इसका मेजर रोल है वो ये है कि ये क्या कहते हैं, बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल इनटू द मैक्रोफेजेस को प्रमोट करती है, व्हिच इज बेसिकली अ फर्स्ट स्टेप फॉर द प्लाक फॉर्मेशन। जब एथेरोस्क्लेरोसिस होता है जिसमें प्लाक फॉर्मेशन होती है तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है व्हिच इज द बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल इनटू द मैक्रोफेजेस, CD36 जो है वो उसको प्रमोट करता है। और विटामिन ई जो है वो CD36 को डाउन रेगुलेट कर रहा है। डाउन रेगुलेट का मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाउन रेगुलेशन? दैट मींस कि रेगुलेशन स्लो कर देते हैं या कम कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली जो एक्सप्रेशन है CD36 का वो कम हो जाएगा। ठीक है, देन इफेक्ट ऑफ विटामिन ई ऑन इन्फ्लेमेशन। मैकेनिज्म इसका ये है कि विटामिन ई नेगेटिवली अफेक्ट करता है मोनोसाइट एडहेशन को, और एडहेशन एंड माइग्रेशन ऑफ द मोनोसाइट्स अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक फॉर्मेशन। सो ये जो मोनोसाइट एडहेशन है ये फर्स्ट स्टेप है एथेरोस्क्लेरोसिस का। और विटामिन ई जो है वो इस लेवल के ऊपर जब मोनोसाइट्स जो है वो जाके जो है माइग्रेट कर रहे हैं और अटैच हो रहे हैं विद द मैक्रोफेजेस टू इनिशिएट द प्लाक फॉर्मेशन, इस लेवल के ऊपर जो है विटामिन ई प्रिवेंट करता है कि मोनोसाइट्स जो है वो जाके माइग्रेट ना हो और बाइंड ना हो विद द मैक्रोफेजेस व्हिच इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द प्लाक फॉर्मेशन। और इफेक्ट ऑफ विटामिन ई ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गए हैं कि जी एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स में इसका क्या रोल है। सो विटामिन ई अप रेगुलेट्स द जीन्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द मॉड्यूलेशन ऑफ प्रोटीन्स। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें कि कौन से जीन्स को ये अप रेगुलेट करता है, सो विटामिन ई बेसिकली अप रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ग्रोथ फैक्टर जीन, शॉर्ट फॉर्म है इसकी CTGF। और विटामिन ई इसको अपरेगुलेट कर रहा है। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ CTGF जीन? इट प्रमोट्स द सिंथेसिस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड इट एक्सेलरेट्स द बोन रिपेयर एंड टिश्यू रीजनरेशन। विटामिन ई एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन के सिंथेसिस को प्रमोट करता है। और क्या चेंजेस लेके आता है जीन लेवल के ऊपर? जीन लेवल के ऊपर CTGF जीन का एक्सप्रेशन ज्यादा करता है। अब CTGF जीन क्या है? इट इज द कनेक्टिव टिश्यू ग्रोथ फैक्टर जीन जो कि इन्वॉल्व है इन द सिंथेसिस ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड इन द एक्सेलरेशन ऑफ द वुंड रिपेयर एंड टिश्यू रीजनरेशन। यानी जो वुंड रिपेयर है और टिश्यू की ग्रोथ और रीजनरेशन जो है उसमें इसका एक पॉजिटिव रोल है। तो इस तरह से विटामिन ई जो है वो टिश्यू रीजनरेशन और वुंड रिपेयर में रोल प्ले कर रहा है। तो अब आपको जो है ये 5 सेट ऑफ जीन्स याद होने चाहिए और उसके साथ साथ जीन लेवल के ऊपर कौन से मॉलिक्यूल्स या जीन्स का एक्सप्रेशन कम हो रहा था या ज्यादा हो रहा था वो याद होना चाहिए। अभी तक मैंने आपको बताया कि लिपिड अपटेक में CD36 का एक्सप्रेशन जो है डाउन रेगुलेट करता है विटामिन ई, और एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स में CTGF व्हिच इज द कनेक्टिव टिश्यू ग्रोथ फैक्टर उसके एक्सप्रेशन को अप रेगुलेट करेगा जिससे वुंड रिपेयर और टिश्यू रीजनरेशन प्रमोट होगी।
Now let's talk about the vitamin E and inflammatory factors. ठीक है, ये जो हमारे पास inflammatory factors हैं, इसकी बात करते हैं. तो vitamin E जो है वो suppress करता है activity of the transcription factors NFKB and AP1. अब ये जो NFKB और AP1 है, ये basically inflammatory molecules हैं, inflammatory factors हैं, और vitamin E जो है वो transcription level के ऊपर इनकी activity को suppress करता है, यानी inflammatory factors की activity को suppress करता है. Both of them are the key transcription factors that orchestrates the expression of many genes which are involved in the inflammation, embryonic development, lymphoid differentiation and oncogenesis. अब ये जितने भी मुश्किल मुश्किल वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको देख लेते हैं. NFKB और AP1 दोनों क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो कि बहुत सारे ऐसे जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहे हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इन्फ्लेमेशन में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, लिम्फोइड डिफरेंशिएशन में. व्हाट इज लिम्फोइड डिफरेंशिएशन? आप लोगों को लिम्फोइड डिफरेंशिएशन के बारे में क्या पता है? जी बच्चों, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैंने एक क्लास में पूछा था, उनको तो आंसर आता था. लिम्फोइड क्या होते हैं? लिम्फोइड इज बेसिकली रेफरिंग टू द लिम्फैटिक सिस्टम के सेल्स एंड टिश्यूज ऑर्गन्स. दोबारा बोले बच्चे, आपकी आवाज नहीं है, वो आधी है. लिम्फैटिक सिस्टम के सेल्स लिम्फोइड टिश्यूज. हाँ जी नूरुलैन मैम, ये विंसेंट और इंसेंट का एक्टिवेट करते हैं. नूरुलैन वेरी जी. हाँ जी बोले. अच्छा जी बच्चों, देखो लिम्फोइड जो है वो बेसिकली रेफर कर रहा है. हाँ हाँ जी बच्चों बोले ना. जी जाहिर हुसैन. ऑलराइट, सो बेसिकली लिम्फोइड्स जो हैं वो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं जो कि बी सेल्स और टी सेल्स की डिफरेंशिएशन और एक्टिवेशन में रोल प्ले करते हैं. तो जो बी सेल्स और टी सेल्स हैं, जो लिम्फोइड डिफरेंशिएशन है, इट इज बेसिकली रेफरिंग टू द लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन जो कि आगे फर्दर बी सेल्स और टी सेल्स की डिफरेंशिएशन में रोल प्ले कर रहा है. ऑन्कोजेनेसिस, व्हाट इज ऑन्कोजेनेसिस? कैंसर फॉर्मेशन. वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट. ठीक है, कोई भी ऐसे सेल्स जो कि कैंसर फॉर्मेशन या कैंसर को लीड करते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज ऑन्कोजेनेसिस. और ये जो हमारे पास दो आपको रेड में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स नजर आ रहे हैं NFKB और AP1, बोथ ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन द एक्सप्रेशन ऑफ मेनी जीन्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन द फर्दर ऑल ऑफ दीज डिफरेंट फंक्शंस सच एज द इन्फ्लेमेशन, ऑन्कोजेनेसिस, लिम्फोइड डिफरेंशिएशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द विटामिन ई एंड इम्यून टॉलरेंस. सो जब मैं इम्यून टॉलरेंस की बात कर रही हूँ तो उसमें ये देखा जा रहा है कि इम्यून सेल्स या इम्यूनिटी में विटामिन ई का क्या रोल है. सो विटामिन ई ब्लॉक्स द एक्सप्रेशन ऑफ द CD95 लिगेंड व्हिच फैसिलिटेट्स द एपोप्टोसिस इंडक्शन टू मेंटेन द इम्यून होमियोस्टेसिस. ठीक है, अब ये सेल साइकिल में CD95 लिगेंड का रोल है और बेसिकली ये उसको ब्लॉक कर रहा है. ठीक है, अभी आपको एज इट इज ही पता होना चाहिए. सो विटामिन ई जो है वो CD95 लिगेंड को ब्लॉक करेगा जो कि फैसिलिटेट करेगा एपोप्टोसिस टू मेंटेन द इम्यून होम्योस्टेसिस, यानी इम्यून बैलेंस को, इम्यून होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए CD95 लिगेंड के एक्सप्रेशन को ब्लॉक करता है जीन लेवल पे.
इसके साथ साथ विटामिन ई जो है वो प्रिवेंट करता है टी सेल को फ्रॉम द एक्टिवेशन इंड्यूस सेल डेथ एंड इट आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस विच इंश्योर्स दैट द सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स एंड बी सेल्स विच एस्केप द सेंट्रल टॉलरेंस डू नॉट कॉज द ऑटोइम्यून डिजीज. अब आप लोग मुझे ये बताएं कि पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस क्या होती है. लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था. हाँ जी बच्चों, आप लोगों ने सेंट्रल टॉलरेंस और पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस स्टडी की थी, ठीक है. और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई भी टी सेल या बी सेल जो है वो सेंट्रल टॉलरेंस से पेरिफेरी में जाता है तो ऑटो इम्यून डिजीज शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी जो है वो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज, ऑटो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है. वाइटामिन ई जो है वो इस लेवल के ऊपर रोल प्ले करता है कि वो इंश्योर करता है कि टी सेल्स जो हैं वो पेरिफेरी में ना जाएं, और इसके साथ साथ टी सेल्स जो हैं उनमें एक्टिवेशन इंड्यूस सेल डेथ एआईसीडी ना हो. सो इन शॉर्ट अगर हम देखें कि विटामिन ई जो है वो ऑटो इम्यून डिजीजेस को प्रिवेंट करने में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जीन लेवल पे, ठीक है जी. ये सेंट्रल वर्सेस पेरिफेरल टॉलरेंस है जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सेंट्रल टॉलरेंस जो है इट इज द मेन वे द इम्यून सिस्टम लर्न्स टू डिस्क्रिमिनेट द सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ, ठीक है. जो टी सेल्स हैं वो सेंट्रल टॉलरेंस में फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट द फॉरेन बॉडीज, जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई वायरस हो गया, अगर आपकी बॉडी में वो आता है तो सेंट्रल टॉलरेंस में रहते हुए टी सेल्स और बी सेल्स उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म देते हैं. व्हाइल ऑन द अदर हैंड पेरिफेरल टॉलरेंस इज द की टू प्रिवेंट द ओवर रिएक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू वेरियस एनवायरमेंटल एंटिटीज सच एज एलर्जेंस, गट माइक्रोब्स एक्सेट्रा. तो पेरिफेरल टॉलरेंस का मेन काम क्या होता है कि वो जो एनवायरमेंटल एंटिटीज हैं जैसे कि कोई एलर्जन हो गया या कोई माइक्रोब हो गया उनके अगेंस्ट ओवर रिएक्टिविटी को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है. और व्हेन सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स एस्केप इनटू द पेरिफेरी पेरिफेरल टॉलरेंस इंश्योर्स दैट दे आर डिलीटेड लीडिंग टू द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स. सो जब कोई किसी भी रीजन की वजह से टी सेल्स जो है वो पेरिफेरी में जा रहे हैं तो पेरिफेरी टॉलरेंस क्या करती है कि टी सेल को डिलीट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑटोइम्यून डिजीज हो सकते हैं. विटामिन ई एंड टी सेल की फंक्शन की बात करें तो विटामिन ई जो है वो इम्प्रूव करता है टी सेल के फंक्शन को, ठीक है. हाउ, व्हाट इज द मैकेनिज्म? इट इन्फ्लुएंसेस द सेल रिलेटेड मॉलिक्यूल्स एट जीन एक्सप्रेशन लेवल, दस इम्प्रूविंग द प्रोलिफरेटिव एबिलिटी ऑफ द टी सेल्स. बेसिकली ये टी सेल्स की प्रोलिफरेशन को इंक्रीज करता है और ए आई सी डी एक्टिवेटेड इंड्यूस सेल डेथ को डिक्रीज करता है, ठीक है. क्योंकि टी सेल्स जो है वो हमारे होम्योस्टेसिस, इम्यून टॉलरेंस और इम्यून होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में एक एसेंशियल रोल प्ले करते हैं, ठीक है. टी सेल्स आपके बॉडी के गार्ड्स हैं जो कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो वाइटामिन ई डायरेक्टली जो है वो टी सेल के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है. Now name different diseases which can be prevented by vitamin E. So far आपने अभी तक जितने भी ये पढ़े हैं, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि vitamin E को अगर हम consume करें तो हम कौन-कौन से diseases को prevent कर सकते हैं? Cancers, atherosclerosis, CVDs. ठीक है सोविया. Cancer. Cancer से भी और heart disease. Heart disease. ठीक है. ऑटोइम्यून डिजीजेस के एग्जांपल्स क्या हैं? SLE, rheumatoid arthritis. All right, very good. और कोई ऑटोइम्यून डिजीज? ठीक है. अगर आप ये सामने अपने देख रहे हैं, आप ये देख सकते हैं कि विटामिन ई जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस और लिपिड अपटेक में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. इसके साथ साथ जो है वो कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज है
उसमें उसकी प्रिवेंशन में रोल प्ले करेगा. फिर इसके बाद हमने एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स में देखा कि ये वोन रिपेयर को भी प्रमोट कर रहा है. और सेल साइकिल में हम ये देख रहे हैं कि जो टी सेल के फंक्शन है ये उसको इम्प्रूव कर रहा है, ऑन्कोजेनेसिस को प्रिवेंट कर रहा है, और इसके साथ साथ ऑटो इम्यून डिजीजेस जो कि जब टी सेल्स फैक्ट्री में जा रहे हैं उससे होता है, तो उसको भी वाइटामिन ई जो है वो प्रिवेंट कर रहा है. So let's discuss the effect of vitamin E in immune diseases. So according to the research, vitamin E has profound effect on immune system because of its antioxidant activity. Studies suggest that vitamin E is also associated with the autoimmunity as well as anti-inflammatory and immunomodulatory functions. अब ये immunological diseases को दो तरह से प्रिवेंट करने में रोल प्ले कर रहा है. एक तो मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि विटामिन ई जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट एज एन एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करता है. रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या कोई भी ऐसा डिजीज जिसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा हो उसके अगेंस्ट फाइट करने में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. तो इन एडिशन टू इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज ये जो है वो ऑटो इम्यूनिटी में वो प्रिवेंट करने में भी रोल प्ले करता है. इसके साथ साथ इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी फंक्शंस को भी ये इम्प्रूव करता है. अब इम्यूनोमॉड्यूलेटरी फंक्शंस क्या हैं? दे रेफर टू द मॉडिफिकेशन ऑफ द इम्यून रिस्पांस और द फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम बाय द स्टिमुलेशन ऑफ द एंटीबॉडी फॉर्मेशन और द इनहिबिशन ऑफ द वाइट ब्लड सेल एक्टिविटी. जो हमारे ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं जब वो टी सेल एस्केप होकर पेरिफेरी में जाता है और एंटी ऑटो एंटीबॉडीज बनना शुरू होती हैं, बेसिकली विटामिन ई जो है वो उस लेवल के ऊपर भी एक्ट करता है और प्रिवेंट करता है डिफरेंट इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेस को. अब एक और रिसर्च है और इसमें ये देखा गया कि व्हेन हाई डोजेस ऑफ विटामिन ई वर सप्लीमेंटेड दे वर फाउंड टू एग्जिबिट द एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स बाय डिक्रीजिंग द सी रिएक्टिव प्रोटीन्स एंड इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ प्रो इंफ्लेमेटरी साइटोकाइन्स. तो जहाँ पे हमने इन्फ्लेमेशन में ये देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को रेगुलेट करता है, इसके साथ साथ सी रिएक्टिव प्रोटीन्स जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं. सी रिएक्टिव प्रोटीन्स क्या हैं? व्हाट इज सी रिएक्टिव प्रोटीन्स? दे आर दी बायोमार्कर. वेरी गुड. ठीक है, दे आर दी बायोमार्कर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन. ये वो प्रोटीन्स हैं जो इन्फ्लेमेशन को आपकी बॉडी में इंडिकेट करती हैं. तो इस स्टडी में ये देखा गया कि अगर हम विटामिन ई सप्लीमेंट दे रहे हैं तो सी रिएक्टिव प्रोटीन जो कि एक बायोमार्कर है इन्फ्लेमेशन का वो डिक्रीज हो रहा है और जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स हैं वो भी इनहिबिट हो रही हैं, उनका रिलीज भी इनहिबिट हो रहा था. प्रो इन्फ्लेमेटरी मीन्स वो मॉलिक्यूल्स जो कि इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं. So pro-inflammatory cytokines are the signaling molecules that is excreted from the immune cells like T helper cells and macrophages and certain other type of cells which promotes the inflammation. So कोई भी ऐसे molecule जो के inflammation को promote कर रहे हैं वो pro-inflammatory होते हैं. Now this diagram is basically explaining the difference between pro-inflammatory and anti-inflammatory molecules. So आप देख सकते हैं जो pro-inflammatory हैं वो inflammation को promote करते हैं, start करते हैं, और जो anti-inflammatory molecules हैं वो inflammation को stop करते हैं और inflammation को कम करते हैं. और नीचे जो है उन्होंने different molecules की examples दी भी है. तो ये बेशक आपको ना बताओ लेकिन आपको concept और डिफरेंस बिटवीन प्रो इन्फ्लेमेशन एंड एंटी इन्फ्लेमेशन पता होना चाहिए. विटामिन ई एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस. ठीक है, अभी सो फार हम ये देख चुके हैं कि विटामिन ई का टी सेल फंक्शन में बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल होता है और वो ऑटो इम्यून डिजीजेस को प्रिवेंट करता है. सो विटामिन ई डेफिशिएंसी कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज और एक्सेलरेट इट्स प्रोग्रेस. विटामिन ई कुड रिड्यूस द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस which is the important factor for the pathogenesis of autoimmune diseases. And vitamin E also regulates the immune system. ठीक है, mechanism आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए.
कि विटामिन ई जो है, अगर मैं आपसे पूछूं कि विटामिन ई जो है ऑटोइम्यून डिजीजेस को कैसे प्रिवेंट करता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो एक तो ये एज एन एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करता है, दूसरा ये कि ये इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है बाय इम्प्रूविंग द फंक्शन ऑफ टी सेल्स. Vitamin E has a powerful role in the prevention and treatment of the rheumatoid arthritis. And rheumatoid arthritis is an autoimmune disease example. Hai. As well as the joint inflammation and damage. Okay, so anti-inflammatory bhi hai vitamin E, toward inflammation ko bhi kam karega. Vitamin E also reduces the development of colon inflammation in patients with the inflammatory bowel disease. Ab jo log इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज भी जो है वो ऑटोइम्यून डिजीज की एग्जांपल है, तो ऐसे लोग पेशेंट्स जो इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज से सफर करते हैं उनकी बेसिकली कोलन में इंफ्लेमेशन हो जाती है. अब विटामिन ई जो है वो एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी मॉलिक्यूल एक्ट करेगा और इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज को रिड्यूस करेगा, प्रिवेंट करेगा. सीलिएक डिजीज भी एक एग्जाम्पल है ऑटोइम्यून डिजीज की, और इसमें भी क्या होता है कि जो इंटेस्टाइनल विलाई है वो डैमेज हो जाते हैं. जब वो डैमेज हो जाते हैं तो वो फैट सॉल्युबल विटामिंस जो हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते, और विटामिन ई ए और के जो हैं ये तीनों फैट सॉल्युबल विटामिंस हैं. तो जो पेशेंट्स सीलिएक डिजीज से सफर कर रहे होते हैं, सीलिएक डिजीज एक ऑटोइम्यून डिजीज है, तो उनकी बॉडी जो है फैट सॉल्युबल विटामिंस को सिंथेसाइज नहीं कर सकती अपनी बॉडी में, उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती. अब इसकी वजह से क्या होता है, जो स्पेसिफिकली जो सीलिएक पेशेंट हैं उनमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई. जैसे उनकी बॉडी जो है वो विटामिन ई को अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही, तो उसके साथ साथ उनको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं. और स्पेसिफिकली वो क्यों आते हैं, क्योंकि विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है. अब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के एग्जाम्पल्स में आ जाता है पार्शल और कंप्लीट पैरालिसिस हो सकता है, मसल वीकनेस हो सकती है, पुअर कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड डिक्रीज्ड अलर्टनेस. सो दीज आर द फ्यू सिम्टम्स जो कि सीलिएक पेशेंट्स में देखे गए हैं, और ये बेसिकली इंडिकेट कर रहे हैं कि उनकी बॉडी के अंदर विटामिन ई की डेफिशिएंसी है. यानी ये जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं इनको रिलेट किया गया है विटामिन ई की डेफिशिएंसी के साथ. और मैं अगर आपसे पूछूं कि इसकी रीजन क्या है, क्यों होता है ये, तो इसलिए होता है क्योंकि जब उनके जो इंटेस्टाइनल विलाई है वो डैमेज होगा और फैट मेल एब्जॉर्प्शन होगी, और विटामिन ई जो है वो एक ऐसा विटामिन है जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है, वो विदाउट फैट जो है वो सॉल्युबल एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी. रोल ऑफ द विटामिन ई इन डिफरेंट डिजीजेस. सो अब एक इम्पॉर्टेंट रोल आप लोगों ने देखा था इन पे कि इसका टी सेल के साथ बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है. So T cells are vulnerable to the age-associated changes. यानी जैसे जैसे aging होती जाएगी T cells जो हैं उनका function affect होता है. Aging is associated with the dysregulation of immune cells, particularly the T cells. यानी जैसे aging होती जाती है वैसे immune cells में specifically जो T cells हैं उनकी dysregulation होती है. Aging had a significant effect on genes which are involved in apoptosis pathway in the T cells, transcriptional regulation, signal transduction and cell cycle. So हम ये देख सकते हैं कि aging का एक बड़ा एक important role है आपके cell cycle को maintain करने में, ठीक है, और वो ना basically gene level के ऊपर changes आ रहे हैं आपके, और जिसकी वजह से सेल साइकिल जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं. और ये देखा गया है कि स्पेसिफिकली एजिंग में जो है वो टी सेल्स, पर्टिकुलरली टी सेल्स जो है वो डाउन रेगुलेट होते हैं. अब विटामिन ई का आप सब जानते हैं कि एज रिवर्सिंग इफेक्ट है, तो इस रिसर्च में ये देखा गया कि मैकेनिज्म क्या है जिसके थ्रू विटामिन ई जो है वो एज रिवर्सिंग इफेक्ट देता है. सो विद द इंक्रीजिंग एज आपकी बॉडी में IL-2 जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. Vitamin E enhances the IL-2 production. Or now what is IL-2? IL-2 is basically a signaling molecule in the immune system and it is responsible for the immunity. So हम ये देख रहे हैं कि research के according जैसे जैसे age हो रही है IL-2 का expression और production जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि immunity जो है वो कम होना शुरू हो जाती है.
और विटामिन ई जो है वो इनहेंस कर रहा है IL-2 की प्रोडक्शन को, जिससे वो एज रिवर्सिंग इफेक्ट देता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि विटामिन ई जो है वो कार्सिनोजेनेसिस में क्या रोल प्ले कर रहा है, या जीन एक्सप्रेशन ऑफ कार्सिनोजेनेसिस में क्या रोल है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फाइंडिंग ऑफ दिस रिसर्च, इट वॉज ऑब्जर्व दैट लेस जीनोटॉक्सिक स्ट्रेस इज एक्सपीरियंस्ड इन विटामिन ई सप्लीमेंटेड कोलोनोसाइट्स। नाउ कोलोनोसाइट्स क्या है? दे आर दी कोलोन सेल्स। और ये देखा गया कि वो लोग जो के विटामिन ई की सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं उनमें जीनोटॉक्सिक स्ट्रेस कम होता है। अब नाउ व्हाट इज जीनोटॉक्सिस टॉक्सिक, या जीनोटॉक्सिसिटी क्या होती है? व्हाट इज जीनोटॉक्सिसिटी? जी बच्चों, जय आप लोग भी सर्च करें व्हाट इज जीनोटॉक्सिसिटी। Chemicals that damages the genetic information. Very good, excellent. So, वो chemicals जो के क्या कहते हैं, कोई भी आपकी DNA की information जैसे है या genetic information जो है, अगर उसको damage कर रहे हैं हम उनको कहते हैं जीनोटॉक्सिन्स। यानी जीनो, जीन इज बेसिकली रेफरिंग टू दी जीन, ठीक है, और टॉक्सिन वो कोई भी ऐसा एलिमेंट या केमिकल जो के डैमेज कॉज कर रहा है। सो जीनोटॉक्सिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द केमिकल एजेंट्स टू व्हिच डैमेजेस द जेनेटिक इंफॉर्मेशन विद इन द सेल कॉजिंग द म्यूटेशन व्हिच मे लीड टू द कैंसर। ठीक है, कोई भी ऐसा केमिकल एजेंट जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डैमेज करेगा और उसकी वजह से म्यूटेशन हो जाएगी, जब म्यूटेशन हो जाएगी तो कैंसर हो जाएगा। सो ये देखा गया है डायरेक्टली कि जो विटामिन ई की सप्लीमेंटेशन है वो डायरेक्टली ऐसे टॉक्सिन्स या जीनोटॉक्सिन्स जो है उनको कम करती है। डायटरी सप्लीमेंटेशन मे प्रिवेंट द जीनोटॉक्सिक डैमेज एंड सब्सिक्वेंट कार्सिनोजेनिक इवेंट्स इन द कोलन बाय बोथ एंटीऑक्सीडेंट एंड नॉन एंटीऑक्सीडेंट रिलेटेड मैकेनिज्म्स। ठीक है, सो एंटीऑक्सीडेंट, ये तो आपने बात ना याद रखनी है कि जी विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है, सबसे इसका इम्पोर्टेंट रोल तो ये है, लेकिन ये एक अंडरस्टूड बात है। एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ ये और भी बॉडी के अंदर रोल प्ले कर रहा है, जो कि यहाँ पूरे लेक्चर में आप लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है, और इन रोल्स की वजह से ये डिफरेंट डिजीजेस को प्रिवेंट कर रहा है। इसमें से स्पेसिफिकली जो ये दो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली कार्सिनोजेनेसिस और ऑन्कोजेनेसिस को रिलेट करते हैं, जो कि सेल डायरेक्टली टी सेल फंक्शन और सेल साइकिल को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम सेल साइकिल की जहाँ बात कर रहे हैं वहाँ हम टी सेल फंक्शन को भी देख रहे हैं। तो एक तो विटामिन ई एंटी ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ इसके नॉन एंटी ऑक्सीडेंट रिलेटेड प्रॉपर्टीज जो है वो देखी गई थी, ऑब्जर्व की गई थी, which included the protection of the genome from damaging the detoxifying enzyme against the free radicals. So it basically protects your genome from damaging the detoxifying enzymes. Yani detoxifying enzymes wo enzyme hai jo ke toxins ko destroy karne mein help kar rahe hain, unko remove karne mein help kar rahe hain. To aise enzymes jo ke detoxification aapke body mein karte hain against the free radicals, उनको प्रोटेक्ट करता है विटामिन ई। इसके साथ साथ विटामिन ई आल्सो हैज एन इंक्रीज्ड एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड सब्सिक्वेंटली रिपेयर द डीएनए। ये भी एक बड़ी एसेंशियल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से सेल डैमेज जो है प्रिवेंट करता है विटामिन ई। बेसिकली ये डीएनए के रिपेयर, एक तो डीएनए डैमेज को डिटेक्ट करता है और उसके साथ ही उसको रिपेयर करने में भी रोल प्ले करता है। सो दीज आर द नॉन एंटीऑक्सीडेंट रिलेटेड मैकेनिजम्स which explains how vitamin E is preventing the carcinogenesis in your body. Effect of vitamin E on CVD. So vitamin E has a beneficial effect on reactive oxygen species related diseases such as CVD. Aur iska mechanism ye hai ki vitamin E helps to increase the oxidative resistance which inhibits the lipid peroxide formation
and it also prevents the atherosclerotic plaque formation, which inhibits the platelet aggregation. ठीक है, ये वाले जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे विटामिन ई सीवीडी को प्रिवेंट करता है. Now let's talk about the sources of vitamin E. चले अब आप लोग मुझे बताएं, हमने की देर वाइटामिन ई की बात की है, फूड सोर्सेज ऑफ वाइटामिन ई क्या है? मैम फिश, एलमंड, मनोइन. एनिमल लिवर. जरा दोबारा. नॉन लैक्टिक एमिनोइन, मीट, एलिमेंट, जर्म्स वगैरह. बच्चों हैंड रेज करो. मैम पीनट्स और ऑलमंड. बच्चों हैंड रेज करो. मैम एग्स, चीज. हां जी मनाहिल. मैम फिश. ठीक है, और एवन अली. एवन मैम सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल. वेरी गुड. मैंगोज और साथ मुहा. एक्चुअली यस मैम. आलमंड ऑयल, फिशेस. चलो आई होप बच्चों ने क्लास में आप मेरे सामने बैठे होंगे तो ये काम आसान हो जाएगा. चले जी, बिल्कुल बच्चों, बहुत सारी विटामिन ई की सोर्सेज होती हैं. आप सब लोग ने अच्छी एग्जांपल्स दी हैं, ठीक है, क्योंकि हम जहाँ भी. मैम ने आपने मेरा तो बताया नहीं. हाँ जी, हेलो. यस मैम. बच्चों प्लीज बीच में इंटरप्ट ना किया करो, मैंने अच्छा पूछना था, पूछ लिया, बात खत्म हो गई. अब तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सोर्सेज ऑफ विटामिन ई, और जैसे आप लोगों ने डिस्कस किया कि विटामिन ई की डिफरेंट सोर्सेज हैं, जिसमें हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं वो ये हैं कि सनफ्लावर सीड्स हैं, दे आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन ई. देन वी हैव एलमंड्स, हेज़लनट्स, पीनट्स, पाइन नट्स, ऑल ऑफ देम आर दी गुड एग्जांपल्स ऑफ विटामिन ई. इसके साथ साथ विटामिन ई जो है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द टर्निप ग्रीन्स. सो नाउ व्हाट इज टर्निप ग्रीन्स? मैम शलजम के. मैम ये शलजम के पत्ते. शलजम के पत्ते. वेरी गुड. शलजम के पत्ते जो होते हैं ना ग्रीन कलर के, वो जो है एक्सेलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई है. देन लेट्स टॉक अबाउट द फार्माकोलॉजिकल बेनिफिट्स. ठीक है, वैसे तो हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि ये जीन लेवल के ऊपर कौन कौन से वो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम समराइज करें कि फार्माकोलॉजिकल बेनिफिट्स बेसिकली वो हैं जो कि डिजीज प्रिवेंशन में रोल प्ले कर रहे हैं, या किस तरह से विटामिन ई जो है वो डिजीज प्रिवेंशन में रोल प्ले कर सकता है. तो विटामिन ई जो है, इट प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, सपोर्ट्स द हेल्दी स्किन, इनहिबिट्स द प्लेटलेट एग्रीगेशन, एंड इट मे ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन सिग्नल ट्रांसडक्शन इन न्यूरल और इन द न्यूरोनल सेल्स. थेरेप्यूटिक इंडिकेशंस क्या हैं? अब थेरेप्यूटिक का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, और किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम विटामिन ई को भी यूज कर सकते हैं. और यहाँ पे डिफरेंट डिजीजेस लिखे हुए हैं, जैसे एंजाइना हो गया, एक्ने हो गया, अल्जाइमर है, कैंसर, कैटरेक्ट्स, डायबिटीज, सिरोसिस, पार्किंसन डिजीज एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एक्सेट्रा. ठीक है, सो बच्चों ये एज इट इज आप लोगों को पता होना चाहिए कि विटामिन ई कौन कौन से डिजीजेस को प्रिवेंट करने में रोल प्ले कर सकता है. मेजर डिजीजेस तो हम डिस्कस कर चुके हैं जीन लेवल के ऊपर, लेकिन ये और भी डिजीजेस हैं जिसमें एक ये रोल प्ले कर रहा है. इसके साथ साथ विटामिन ई जो है वो ड्रग्स के साथ भी इंटरैक्ट करता है, और कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो यहाँ पे आपके सामने गिवन है. विटामिन ई इंक्रीजेस द इफेक्ट्स ऑफ द एंटीकोगुलेंट्स. और एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर एंटीकोगुलेंट्स?
तो बेसिकली एंटीकोगुलेंट्स के रोल में अगर हम कोई भी एंटीकोगुलेंट ड्रग ले रहे हैं उसके साथ अगर हम विटामिन ई कंज्यूम करेंगे तो उस तरह से हम उस ड्रग की एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं. Vitamin E also increases the effect of the atorvastatin therapy. So atorvastatin drug kis liye hoti hai? Bacho ye drugs meri se zyada aap logon ko aati hai. Mam ye nahi padha hua. All right, so basically ye cholesterol lowering drugs hoti hai. Theek hai, LDL levels को control करने के लिए और vitamin E जो है वो इसके साथ साथ काम करता है. इसका synergistic effect है, ये इसकी drug की efficiency को improve करने में role play करता है. एक और देखा गया interaction with the anticonvulsants. अब ये जो anticonvulsants होती हैं ये seizures के लिए या ऐसे patients जिनको seizure के attack epilepsy है या कोई epileptic seizures होते हैं उनको दी जाती है. तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ऐसे पेशेंट्स जो कि एंटी कन्वर्शन ड्रग्स ले रहे हैं उनके प्लाज्मा लेवल्स ऑफ विटामिन ई जो है वो कम हो जाते हैं, उनका विटामिन ई का स्टेटस प्लाज्मा लेवल में कम हो जाता है. सो दैट इज हाउ एंटी कन्वर्शन ड्रग्स आल्सो इंटरैक्ट्स विद द विटामिन ई. कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी इंटरैक्ट करते हैं विटामिन ई के साथ. तो अब आपके सामने यहाँ कुछ न्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल दी गई है, जैसे विटामिन सी है, ग्लूटाथियोन, सेलेनियम एंड विटामिन बी3. और आप ये देख सकते हैं कि ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये एज एन एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करते हैं. ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ई लीड्स टू द डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम्स एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी. साइड इफेक्ट्स ऑफ हाई डोजेज, इट प्रोलॉन्ग्स द ब्लीडिंग टाइम. यानी जो आपका वाइट अगर हाई डोजेज हो यानी मोर देन रिकमेंडेड अमाउंट आप कंज्यूम कर रहे हैं तो विटामिन ई के हाई डोज का एक साइड इफेक्ट ये है कि ये ब्लीडिंग टाइम को प्रोलॉन्ग कर देता है. और इसी की सपोर्ट में एक रिसर्च हुई थी और इसमें ये देखा गया था कि जो विटामिन ई की सप्लीमेंटेशन है इन ह्यूमंस, इट वाज सीन टू इंक्रीज द अंडर कार्बोक्सिलेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन, suggesting that vitamin E decreases the vitamin K status in the humans. यानी कि वो लोग जो कि excessive vitamin E supplementation ले रहे हैं उसकी वजह से क्या होता है कि vitamin K जो है sorry prothrombin जो है वो under carboxylated रहता है. और मैंने last lecture में आप लोगों को समझाया था कि जो vitamin K है वो carboxylation को promote करता है. तो basically जो vitamin K का status है body के अंदर वो रिड्यूस होता है विद द एक्सेसिव विटामिन ई सप्लीमेंटेशन. सो दिस इज अगेन वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से ब्लीडिंग टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन जो है वो अंडर कार्बोक्सिलेटेड रहता है. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी मैम, ये जो आपने बताया था विटामिन ई जो है वो एंटी कोगुलेंट है तो उस वजह से भी होता है ये ब्लीडिंग का? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बिल्कुल. एक तो मैंने आप लोगों को बताया है कि एक ब्लड थिनिंग इफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि एज एन एंटीकोगुलेंट एक्ट करता है. और इसके साथ साथ रिसर्च में ये भी देखा गया है कि विटामिन ई के कंजम्पशन से विटामिन के स्टोर्स कम हो रहे हैं. जब विटामिन के स्टोर्स डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे तो डेफिनेटली ब्लड कोगुलेशन में जो विटामिन के का इम्पोर्टेंट रोल है वो इफेक्ट होता है. Very good, Adil. Now, excuse me, ma'am. जी मैम, ऐसे हो सकता है जैसे आपने कहा कि विटामिन ई अगर हम वो एक्स्ट्रा अमाउंट में मतलब एक्सेस में लेंगे तो विटामिन के का होगा, अगर विटामिन के लेंगे तो विटामिन ई का फिर उस तरह हो जाएगा? फिलहाल ये देखा गया है कि जब विटामिन ई जो है वो इंटरैक्ट कर रहा है विटामिन के स्टोर्स के साथ, विटामिन के स्टेटस के साथ, ठीक है, तो आई डोंट नो अब ये वाइस वर्सा है या नहीं है, बट इस रिसर्च के अकॉर्डिंग विटामिन ई सप्लीमेंटेशन दी गई थी और उसका इफेक्ट जो ह्यूमन के स्टोर्स हैं विटामिन के का जो स्टेटस है उसके ऊपर देखा गया था.
और स्पेशली प्रोथ्रॉम्बिन की एक्टिविटी के ऊपर देखा गया था, क्योंकि जो ब्लीडिंग टाइम है वो देखा गया कि हाई डोज के साथ ब्लीडिंग टाइम एक्सीड कर रहा है। सो कहने का मकसद ये है कि विटामिन ई जो है वो इंटरैक्ट करता है, एडवर्सली इंटरैक्ट करता है विटामिन के साथ, और विटामिन के की फंक्शनैलिटी जो मेन फंक्शन है कोगुलेशन रोल, उसके साथ ये इंटरैक्ट करता है। कंडीशन विच इज कॉज्ड बाय द हाई डोजेज इज नोन एज हाइपर विटामिनोसिस। ठीक है, कोई भी विटामिन जो जब एक्सेसिव अमाउंट में लिया जाए हम उसको हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं, और इसकी वजह से डिफरेंट सिम्टम्स आपकी बॉडी में आते हैं, सच एज इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स, डायरिया, फटीग, डबल विजन, मसल वीकनेस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर मैं अब इसको समराइज करूं तो हम लोगों ने जो है विटामिन ई को स्टडी किया, और विटामिन ई जो है वो एक एज एन एंटी ऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में एड करता है, इट स्लोज डाउन दी एजिंग एंड इट प्रमोट्स दी हेल्दी स्किन एंड हेयर। इसके साथ साथ विटामिन ई जो है वो 5 ग्रुप ऑफ जीन्स को रेगुलेट करता है जो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन से लिपिड अपटेक के अंदर जो है वो किसका एक्सप्रेशन ज्यादा होगा या कम होगा, या किस तरह से वो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। ठीक है, इसके ऊपर आपने फोकस रखना है अपना, और आपको क्लियर होना चाहिए। नहीं समझ आती तो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आप मुझसे पूछ लेना, जब खुद पढ़ोगे इसको। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने जो है वो जनरल सोर्सेज देखी जो कि विटामिन ई की हैं। देन वी डिस्कस दैट विटामिन ई आल्सो प्रिवेंट्स द सेलुलर डीजनरेशन, यानी जो सेल साइकिल है, टी सेल फंक्शन है, ये इसको इम्प्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसकी वजह से डिफरेंट डिजीजेस को प्रिवेंट करने में भी रोल प्ले करता है। और टॉक्सिसिटी अगर विटामिन ई की हो जाए तो उसकी वजह से ब्लरी विजन हो सकती है, नॉजिया, डायरिया, डिजीनेस और फिटीग हो सकता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन मैम? ये जो अल्जाइमर्स डिजीज है ये इसी वजह से उसके बीच में विटामिन ई इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो जो है अभी आपने बताया था कि डीजनरेट नहीं होने देता। हाँ जी, बिल्कुल बच्चों, देखो विटामिन ई जो है ना एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि आप ये देखिए कि 5 डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स को ये अफेक्ट कर रहा है, और वो डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे एक तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सेल साइकिल को, सेल डीजनरेशन को जो है, और टी सेल के फंक्शन को इम्प्रूव करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो कि इम्यूनिटी से रिलेटेड है, ऑटो इम्यूनिटी से रिलेटेड है, कैंसर है, वो सारे सेल साइकिल और टी सेल फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के डिजीजेज जितने भी हैं वो टी सेल फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, विटामिन ई डायरेक्टली इसको रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी आपने डिटेल में कवर कर लिया कि एथेरोस्क्लेरोसिस में लिपिड अपटेक के साथ भी इसका रोल है, एडिशन और इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि जितने भी कॉमन डिजीज आप लोग पढ़ते हैं उन सब के अंदर जो है ना इन्फ्लेमेशन होती है, जैसे कि आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, कोई भी आप डिजीज का नाम ले लें उसके अंदर जो है ना इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो आप ये देखिए विटामिन ई जो है वो किस तरह से डिफरेंट डिजीजेस को जीन लेवल के ऊपर उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करके प्रिवेंट करता है। ऑलराइट, that's it for